हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आपका आप ही के चैनल में स्वागत है जी। तो आज हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक कार या व्हीकल अगर आप यूज़ करते हैं तो ऐसी कौन सी चीज़ें हैं या गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे आपको नुकसान हो सकता है जी। तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत और आपको बताते हैं आज के टॉपिक के बारे में। वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या इस तरह की रेगुलर अपडेट चाहते हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जी। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल को फ्यूचर मान रही है। पेट्रोल डीजल के मुकाबले ये काफ़ी सस्ता है, लेकिन मौजूदा समय में अभी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो कीमत है वो ज़्यादा है, और कीमत अगर कम होती है तो इसकी जो डिमांड है वो दोगुनी या कई गुना बढ़ सकती है। और ऐसे में अगर आप इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो कौन कौन सी गलतियों से बचना चाहिए। पहला है बैटरी डिस्चार्ज। जी हाँ, जब भी आप कोई भी इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो कभी भी बैटरी को पूरी तरह डिस्चार्ज यानी कि जीरो पर ले जाना गलत है, क्योंकि ये बैटरी की से हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। उसकी क्षमता कम हो सकती है और वो टाइम से पहले ही डैमेज या ख़त्म हो सकती है। इसलिए जो भी उनके ओनर है, मालिक हैं, उनको ध्यान रखना चाहिए कि 20 से 80% तक की बैटरी को चार्ज करना चाहिए, जिससे बैटरी की जो हेल्थ है वो अच्छी रहती है। फिर नेक्स्ट है बैटरी को चार्ज। कोशिश ये करें कि फास्ट चार्जिंग के लिए बैटरी को चार्ज करना अच्छा या हर पॉइंट पे सही नहीं है। जब ज़रूरत हो तभी फास्ट चार्जिंग का यूज़ करें, अदरवाइज कोशिश ये करें कि जब ज़्यादा ज़रूरत नहीं हो तो होम चार्जिंग का ही इस्तेमाल करें, क्योंकि जब भी आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो उसके अंदर ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और बार बार इसी तरह अगर आप फास्ट चार्जिंग करते हो तो जल्दी ख़राब होने की संभावना रहती है। और फिर रख रखाव और मरम्मत। जैसा आपको पता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में पेट्रोल और डीजल के मुकाबले कम रख रखाव की ज़रूरत होती है, लेकिन सर्विस और मेंटेनेंस करना फिर भी ज़रूरी है। इसे जो भी है कि नज़रअंदाज मत करें, क्योंकि बाद में आप ही को परेशानी हो सकती है जी। तो ये थी हमारी बेसिक डिटेल आज के टॉपिक से रिलेटेड। होप सो ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग।